जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम वास्तु में बात कर रहे हैं गोल्डन रूल्स की, कि वास्तु में गोल्डन रूल क्या होते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं, और हर पद विन्यास को एक एक कर हम ले रहे हैं। सबसे पहले हमने शिखी से शुरू किया, फिर उसके बाद अनिल तक पहुंचे, अनिल से फिर दसवां पूषा, ग्यारहवां विथित, बारहवां गृहस्थ, और आज 13 नंबर यम के पद विन्यास की बात करेंगे कि इसके देवता कौन है, इसका स्वामी कौन है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको इनका एंगल या कोण बता रहा हूँ सेंटर पॉइंट से नापने के लिए, जिससे कि हमें पहले तो ये पता लगे कि एडजेक्ट ये है कौन सा स्थान, यम की स्थिति क्या है हमारे प्लॉट में, उसको नापने के लिए हमें यह देखना पड़ता है कि उसकी डिग्री क्या है। इसकी डिग्री है 174 डिग्री से शुरू होता है, 22 मिनट 30 सेकंड से शुरू होता है, और इसका एरिया रहता है 185 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड तक। यह इसका एरिया कोण हुआ, एंगल हुआ, और इसी से हम इसका एरिया या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। प्लाट छोटा बड़ा हो उसके हिसाब से हम एरिया निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, इसके राइट लेफ्ट में कौन से पद हैं। इससे पहले हम गृहस्थ की बात कर चुके हैं, पहले जो एक तरफ गृहस्थ है और इससे अगला गंधर्व है, इसके ठीक पीछे व्यवसान है, तो हमें उसकी राइट लेफ्ट की पोजीशन और आगे पीछे की पोजीशन को भी देख लेना चाहिए। जब हम जिस पद विन्यास की बात कर रहे हैं उससे हमें क्या लाभ होगा, क्या उसके प्रभाव होंगे, उसके बारे में हम चेक कर सकते हैं। यम क्या है, सेल्फ कंट्रोल करने वाला देव है, जो हमारा कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल। अगर हमारा ये स्थान अच्छा होगा तो हमारा सेल्फ कंट्रोल अच्छा होगा। यम देवता की क्या खासियत है, टाइम का पक्का, डिसिप्लिन, ठीक आगे ना पीछे, समय का पाबंद, कि जब किसी को लेके जाना है यमराज को तो उसी समय पर ही आएगा, ना वो पहले ना वो बाद में, तो टाइम का पक्का है। इसको टाइम मैनेजमेंट भी कह सकते हैं और बहुत बड़ा डिसिप्लिनर भी कह सकते हैं। तो ये यम देवता की अपनी जो खूबी है वो जातक में भी आ जाती है, अगर उसका वो स्थान प्रॉपर है, साफ सुथरा है, कोई कहीं से कटा नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ, झुका नहीं हुआ, उसका स्लोप नीचे की तरफ नहीं है, स्लोप उठा हुआ है, ऊंचा स्लोप होना चाहिए, ये सब चीजें हमें देखनी होती हैं। तो ऐसा जातक नैतिकता का भरपूर प्रयोग करेगा, हर कार्य को नैतिक तरीके से करेगा, अपने व्यापार में या अपने घर में रूल्स सबके लिए एक जैसे लागू करेगा, और उनके ऊपर डिसिप्लिन खुद का भी होगा, सेल्फ कंट्रोल भी होगा उसका, और उसका डिसिप्लिन भी होगा। अगर स्वामी या कर्ता इस स्थान पर सोता है, जो मैंने आपको यम का स्थान बताया, तो उसकी सेहत के लिए अच्छा है, उसकी सोच के लिए अच्छा है, ये सब चीजें उसमें गुण उसमें आ जाते हैं। यह शक्तिशाली जगह है, यम का जो स्थान है काफी शक्तिशाली जगह है, इसका मुख्य देव यम है, और यह सूर्य का पुत्र है, यम सूर्य का पुत्र है, तो ये हमें देख लेना चाहिए। अगर सब चीजें अच्छी हैं तो हमारा सब कुछ कार्य गतिविधियां सही से चल रही होंगी। अगर यहां पर गलती से मिसयूज हो रहा है, जैसे मिसयूज किस कारण से होगा, टॉयलेट बन गया, आपने अपनी सुविधा से या जाने अनजाने में वहां टॉयलेट बना दिया, तो उससे क्या होगा, टॉयलेट के बनने से हमारी नैतिकता में कमी आएगी। यहां भूल कर भी हमें मेन डोर नहीं बनाना, मेन डोर के लिए जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, उससे भी हमारी नैतिकता में कमी आएगी, और हमारे ग्रह चाल भी कमजोर होती है, और हमारा कंट्रोल भी व्यवसाय पे या घर पे कमजोर होता है। ये कर्जे की निशानी है, अगर ये स्थान हमारा ठीक नहीं है तो यहां पर हम कर्जई हो जाएंगे, हमारा स्वभाव बदल जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने का मेन कारण है। यहां पर गलती से अगर पानी स्टोर कर लिया तो जातक को क्या होगा, काले जादू की तरफ जातक मुड़ जाएगा, उसका मन करेगा तिलिस्मी चीजों में कि कुछ हो जाए, जादू टोने में लग जाता है वो, अगर यहाँ पर पानी का स्टोर होता है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर पानी का स्टोर नहीं होना चाहिए। किसी भी कारणवश अगर हमारी जगह वो खराब हो चुकी है, कटी हुई है, बड़ी हुई है, या उसके दाएं या बाएं से कोई प्रभाव आ रहा है या आगे से कोई प्रभाव आ रहा है, तो उसमें हमें करना क्या है, उस देवता का हवन कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में भी पहले कई बार बता चुका हूं कि हवन यंत्र मंत्र और जो देवता का वाहन होता है
उससे हम लाभ ले सकते हैं, देवता की जो सुगंधी है उससे हम लाभ ले सकते हैं, उस और रंग क्या है उसका, जैसे यहाँ पर यम की बात कर रहे हैं, लाल रंग है, लाल रंग को थोड़ा प्रयोग में करें अगर हमारे को आलस आ रहा है तो ऐसा कर सकते हैं हम। देवता का भोजन क्या है वो दे सकते हैं, देवता को अर्पित कर सकते हैं। रतन से भी हम लाभ ले सकते हैं, तत्व से भी लाभ ले सकते हैं। सब चीजें ये देखनी होगी कि हमें परेशानी किस चीज की है, जैसी परेशानी है उसके हिसाब से हम रेमेडी कर सकते हैं। तो आज हमने यम के बारे में बात की, यम का पद विन्यास की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गंधर्व की, गंधर्व इससे अगला पद विन्यास होता है उसके बारे में बात करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।